अस्सलाम वालेकुम टू ऑल जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, तो पहले मुझे कंफर्म करें प्लीज कि आवाज और स्क्रीन आपको ठीक से प्रॉपर शेयर हो रही है। कोई एक बच्चा मुझे अनम्यूट होकर बता दे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, हो रही है सर? चले, ओके, गुड हो गया जी। अच्छा जी, सबसे सवाल हम असाइनमेंट तय कर लेते हैं जी। मुझकामना आपकी है फर्स्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, आपने नीचे स्टार्ट की थी, आप बैंक के, अब आपने ऊपर से स्टार्ट लिया है। चलो, ये आपका ये फॉर्म देखते हैं, 50 रुपये का जी। आई होप इन सबको आपने ईमेल सेंड की होंगी और फॉर्म इनके फिलअप करके सेंड किए हुए होंगे। ओके, वेरी गुड। जी सर, सब किए हैं। जी एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, गुड जॉब। तो आपकी ये आपका फॉर्म है, देखता हूँ। आपको अब ब्रांड की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से फीडबैक भी आ रहा होगा, और उसको आपने अपने इनबॉक्स में चेक करके तो उसका फॉलो अप रखना, ठीक है ना? अच्छा जी, ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। उस पर आपने प्रॉपर जो आपको ई मेल ड्राफ्ट किया गया था के लिए, उसकी LLC के मुताबिक आपने उसको जो है वो पुटअप करना है। और जब आपके पास आप फील्ड में जाएंगे अपना कोर्स कम्प्लीशन के बाद, तो आप वो आपका क्लाइंट आप अपनी LLC की डिटेल्स आपको देगा, ठीक है ना? देन आपको उसकी डिटेल्स के ऊपर यही सारा काम करके, जिन जिन ब्रांड्स ने आपको यहाँ पे अप्रूवल दिए हुए होंगे, उनकी एक अलग से लिस्ट बना लें और अपने पास वो सारा रिकॉर्ड में इंडिया रखें। देन आप अपने क्लाइंट की LLC की डिटेल्स को सबसे पहले उन ब्रांड को टच करेंगे, उन ब्रांड को अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, जिन्होंने आपको आपके अपने जीमेल के ऊपर अप्रूवल दे दिए होंगे। तो देन आप उसको अपने क्लाइंट की बिजनेस ईमेल के थ्रू ये जो है वो अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपके क्लाइंट को भी आपके थ्रू अप्रूवल मिलेंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, हाँ, एक आपका ये ईमेल चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपने 25 अबव भी क्यों नहीं, वेरी गुड बेटा, गुड जॉब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक हो गया, गुड जी सर 70 किए हैं। बेटा, मैंने देखी है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, गुड जॉब, एक्सीलेंट जॉब। और काम को देख के पता चल जाता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है और कितना टाइम अपने काम पे लगाया हुआ है, वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, ये आपका हो गया मार्क्स, ये आपको मिलेगा। सलामुलेकुम जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे बात करनी थी। सर जी मैंने काम तो किया है, मतलब थोड़ा किया। मेरा लैपटॉप जो है ना सर, थोड़ा इश्यू कर गया था, तो वो सही होने के लिए गया हुआ है। अभी ना 10-11 प्रोडक्ट्स ही किए थे अभी मेरे तो, और उसमें ना नेटवर्क नहीं चल रहा था, वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके ओके, चलें कोई नहीं, देख जी सर, लेते। मैं 9-10 प्रोडक्ट्स किए थे अभी मैंने सिर्फ। अच्छा, चलें, आपने उसको कंप्लीट कर लेना है जी जी सर, वो तो मैं कर लूंगी। और मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये ठीक हो गया जी। नेक्स्ट प्रयाल का आ गया, चलिए बेटा भी देख लेते हैं। सर लास्ट में से करिएगा, लास्ट में से स्टार्ट किए थे मैंने। अच्छा जी जी बेटा, आप ना म्यूट हो जाएं, आप इधर शो हो रहे हैं। आपने चलें, कम है, काम तो किया ना, स्टार्ट तो लिया ना, कोशिश तो की है, वेरी गुड। तो आप बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो है कि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको क्लास करना है और कैसे उसके हमने कॉन्टैक्ट पे जाना है और क्या हमने वहाँ पे एक्शन अप्लाई करना है, वेरी गुड। ये बता आपकी बिल्कुल ईमेल ओके हो गया, गुड। आई होप कि आपने सब कुछ सेंड कर दिए होंगी अप्रूवल के ऊपर। अच्छा जी, एक आप ये चेक कर लेते हैं, इसको बेटा आपने कंप्लीट कर लेना, ओके। अच्छा जी, आप फॉर्म आ गया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये आपको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपकी ड्यूटी किस से रिलेटेड ऑफिस है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, वेरी गुड, गुड जॉब बेटा। ये आपको मैं मार्क्स दे रहा हूँ, तो आप कंप्लीट इसको कर लीजिए। सेटिंग का तो जो है लास्ट का,
शेरोज कहाँ पे है? शेरोज आज भी अवेलेबल नहीं हो सकता जाएगी। जी फजल बेटा, आप मेरा प्लीज अनम्यूट हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, वालेकुम सलाम, कैसे खरीद सब ठीक है? शुक्र सर। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अलहमदुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा कहाँ पे आपकी असाइनमेंट? मुझे यहाँ पे तो नीचे है, कहाँ पे है? कॉलम भी नहीं बना नहीं हुआ। नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना सर, अभी असाइनमेंट मैंने नहीं की सर। आपने मुझे बेटा कब बताया था कि मैंने असाइनमेंट नहीं की? सर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मैंने क्या कहा था आगे से? जी सर, मैंने फिर आपको क्या जवाब दिया था? सर मैंने आपको रीजन सर बताई थी सारी ना, और असाइनमेंट का कोई इशू नहीं है सर। ये वाला मुझे पता आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना वो ये मुझे इसका आइडिया है, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं। आप मुझे करके तो दिखाएं ना फिर, अगर आपका आइडिया है तो सर देखो ना कि फजल तो। मेरे पास सिर्फ सर टाइम का थोड़ा सा इशू है, मैंने आपको बताई थी सारी बात सर। टाइम में मेरे जा पास यहाँ पे सर थोड़ा सा टाइम है सर, और थोड़ा भाग दौड़ में लगे हैं। सब बच्चों को मैं कैसे से साथ लेके चलूँ, और उसमें फिर आपका कोऑपरेशन बेटा जरूरी था। मैंने तो आपको कोऑपरेट करने का कहा था कि आप प्लीज कोऑपरेट करें। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा। मैंने आपको रीजन बताई थी सर कि मैंने यहाँ पे ना महीना 1.5 महीना है, तो मैंने ना ये सारा काम क्लोज करना, तो मैं बस उसी चक्कर में लगा हूँ। मैंने लंदन शिफ्ट होना, मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, चलें, आपका इसकी है रीजन है तो सब नहीं कर पा रहे हैं। ओके ठीक हो गया, आपकी तो हम पेंडिंग में लेके जाएंगे। अब पेंडिंग असाइनमेंट जो है ना किसी बच्चे की चेक नहीं हुआ करेंगे। ओके अच्छा, चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आपने सीख लिया कि किस तरह से सोर्सिंग में आपने ब्रांड्स को कैसे अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ऑन द डिटेल्स ऑफ योर क्लाइंट एलएलसी। ठीक है, आपने अपनी क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल्स पे पूरी तरह काम करना है, और किस तरह से आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, टू गेट द अप्रूवल टू सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी हिडन टेक्निक थोड़ी आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो प्रोसेस में सिखाई नहीं जाती है, तो कोई इसके ऊपर फोकस नहीं करता, बहुत कम मेंटर जो उस टेक्निक के बारे में भी बन पाया है, तो वो मैं आज आपको शेयर करता हूँ किस तरह से एक स्मार्ट वे से आप अपने हंटेड प्रोडक्ट को, जो आपने हंट की हुई है, जो आपको क्राइटेरिया को मीट कर रही है, उसको आप किस तरह से जो है वो सोच कर सकते हो स्मार्ट वे में। ठीक है, और वहाँ पे फिर आप उसका स्मार्ट अप्रूवल भी ले सकते हो। उसके तो लिए क्या तरीका होएगा वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने हम से कोई नहीं एक एक्शन ले लेते हैं, ठीक हो गया। हमारे सैंपल शीट आ गए, यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये हमारे हम यहाँ से कोई एक एक्शन यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ये हमारा हंटेड एक्शन है, ये हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और ये हमारी हंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, हंटेड जो आपकी प्रोडक्ट रहेगी उसी के साथ आपने ये काम करना है। जो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो, हंटेड नहीं होगी, उससे सोचने का कोई फायदा नहीं है आपको। जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट कर रही है, हंटेड है, उसी की आपने जो है सोचिंग करें, और उन्हीं ब्रांड्स की अप्रूवल की रिक्वेस्ट किया सेंड करें। अच्छा, ये हमने एक प्रोडक्ट ले ली और जूम कर लिया कि ये हमारी हंड्रेड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हमने आ जाना है गूगल पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे अमेजोन पे। अमेजोन पे एक प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना? अमेजोन पे सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को ओपन करें, ये हमारा वेपन आ गया। अच्छा, डिलीवरी अपने आप में न्यूज पर लेनी है, ठीक है। देन आप आते हैं प्रोडक्ट, ये देखिए तीनों स्पॉन्सर्ड है, ये तीनों स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये वाली हमारी नहीं है। हम और नीचे आएंगे, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, तो ये वाली हमारी वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, तो आपने जो इसका ये टाइटल है ना, इस टाइटल को आप सेलेक्ट करें। ठीक है,
अब हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी 100 प्रोडक्ट है, उसके हम स्मार्ट वे में सोर्सिंग करने लगे, ठीक है। उसके हमने टाइटल को जो है वो कॉपी कर लिया, अपना सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्टेड टाइटल के ऊपर आपने राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना, सर्च गूगल फॉर, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना थर्ड ऑप्शन पर। अच्छा, इसमें क्या करना है कि हमें जो हमारी प्रोडक्ट है गूगल के डेटा बेस में ले जाएगा, और वहाँ पे जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट रिटेल में, होलसेल में, ब्रांड सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, जो जो भी गूगल के डेटा बेस पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो ये जहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, आप जहाँ पे आपका आपने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ जहाँ ये रिटेल में सेल हो रही है उनको आपने ओपन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए अमेजोन पे आ गई, अमेजोन पता ऑलरेडी सेल हो रही है, उसको आपने टच नहीं करना। वॉलमार्ट की आपसे रिटेल वेबसाइट पे भी आपने टच नहीं करना। अच्छा, ईबे भी रिटेल की है, इसको भी आप टच नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि और कहाँ पे आप ये देखिए, ये वही वाला आइटम है, और ये www.starshop.pk, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, एक होलसेलर भी हो सकता है, तो इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप ओपन करें, नीचे आप थोड़ा से, अच्छा ये देखें, ये वाला वो प्रोडक्ट आ रहा है, और ये शॉप एबंडा डॉट कॉम के नाम से है, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है इसका ऑनलाइन, जो हम ओपन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको, ये देखें, ये एक जो है उसको तो आप ओपन करें। यहाँ से आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना न्यू टैब में अपनी प्रोडक्ट को ओपन कर लें, और फिर आप देखेंगे हमें जो है मोर रिजल्ट भी आप जाएँ मैक्सिमम, मतलब जिसके देखें मैक्सिमम ओपन करें। मैंने यहाँ पे ऑप्शन 4 ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। बेटा फिरोज, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपका इतना लंबा मैसेज जो है ना उसको रीड करूँ। आप बेटा लेट हैं और आपके एब्सेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और असाइनमेंट जब आपको चेकिंग होगी, आप डेली लेट होते हैं क्लास से। अच्छा ठीक, ये हो गया। अब हम जो देखते हैं कि कहाँ पे हमारा, अब अमेजोन पे हमें इसकी क्या प्राइस मिल रही थी, उस प्राइस की ऑलमोस्ट 15 जो है वो अमेजोन पे की प्राइस है। तो हमने चीप से चीप प्राइस में इस प्रोडक्ट को गूगल के डेटाबेस से क्लास कर ली। जितनी चीप प्राइस रहेगी, जितनी कम प्राइस रहेगी, उतना आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, और उतना ही आपका क्लाइंट आपसे कंफर्टेबल होगा, ओके। अच्छा, अब आपका यही काम है, प्रोडक्ट रिसर्च किसी को बोलते हैं कि आपने अब इसको क्लास करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके जो है चले हम दूसरे वाले देखते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च किसी का नाम है, किसी पे आपका जो है वो, अब ये देखें, ये जो है कि बहुत हाई प्राइस पे हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और ये आई थिंक इंस्टॉलमेंट का भी उनका कोई है साथ ना में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं, तो यही आपका काम होना है, आपने इसी तरह अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करनी है अपनी, और लो से लो प्राइस में उसको आपने प्लास करनी है। अच्छा, ये देखेंगे, अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास जो है वो फैक्ट्री भी है रेंज, और बाकी उसके पास किचन एंड डाइनिंग भी है, उसके पास केबल आइटम भी है। अब देखें कि आप इसकी जो है 16.99 हमें ये प्राइस दे रहा है, ठीक है, तो ये प्राइस हमारी प्राइस से भी ज़्यादा है। तो यही आपका काम होना है कि आपने गूगल के डाटाबेस से इस तरीके के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस, लोएस्ट प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये देखें, ये आ रहा है ना लॉग इन और रजिस्टर, तो जहाँ पे जब आप ये हर जो आपको वेबसाइट मिलेगी उसके ऊपर ये आएगा, ठीक है, रजिस्टर। तो हम रजिस्टर पे फॉर एग्जाम्पल आते हैं, मैं आपको बता दूँ किस तरह से। अब यहाँ पे आप अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल्स पुट करेंगे, यहाँ पे उसका नेम देंगे, उसका ईमेल या फोन नंबर देंगे, और पासवर्ड आप खुद मेंशन करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और एग्री पे क्लिक करके तो ये आप तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट अप्रूवल आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए,
ये स्मार्ट वे है थोड़ा तो उसको फाइंड आउट करने का, उनको सोर्स करने का और वहाँ पे अपने क्लाइंट का सॉफ्ट अप्रूवल बनाने का। जब आप ये काम कर लेंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, देन आप यहाँ से आके फिर लॉग इन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो वाला ईमेल देंगे और जो पासवर्ड आपने रखा है वो आप पासवर्ड देंगे, तो देन आप इस साइट पे लॉग इन हो जाएंगे। और लॉग इन होने के बाद ये आपकी बाकी प्रोडक्ट की प्राइस भी आपके सामने रिवील कर देगा और आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से अपने क्लाइंट के थ्रू परचेज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो यही काम आपने करना है कि आपने मैक्सिमम यहाँ गूगल से मैक्सिमम जो है अपने जो ओपन करने हैं। अब देखें जहाँ भी ये ब्रेस है इसको भी आप ओपन हम ओपन कर सकते हैं, ये गुजरात कार्ड से भी है यहाँ भी हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि और पेजेस होंगे तो और पेजेस पे जाके भी आप इनको ओपन करेंगे, देखें बहुत सारे यहाँ पे ना आपको आ गए। तो जहाँ पे आप तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया हुआ है, इसको भी आप ऐसे देखें ओपन करें। तो रिटेल की वेबसाइट को जो वालमार्ट हो गई, ईबे हो गई, अमेजोन हो गई, इनको आप स्किप कर देना है और बाकियों को आप ओपन करेंगे देखेंगे। अच्छा जी, अब हम एक चीज इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमें रैपर तो ये नहीं कहना मैक्सिमम प्राइजेस भी मिल रही है। तो जब आप इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग करेंगे, टाइम देंगे, मैक्सिमम जो है वो वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह दो प्राइस में भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक और जो ओपन की थी उसको किया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सारी वेबसाइट के ऊपर आपको इसी तरह से लॉग इन का मिलेगा। अब ये देखिए लॉग इन कह रहा है, जब आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे जिसके नीचे ये आपको रजिस्टर का ऑप्शन भी देगा, लेकिन साइन अप का ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपकी आप अपने क्लाइंट की एलएलसी के थ्रू यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। हर वेबसाइट आपको का अकाउंट क्रिएट करके तो आपको सेल्स के लिए एलिजिबल कर देगी, उसकी परचेज के लिए एलिजिबल कर देगी और आपको सॉफ्ट अप्रूवल दे देगी। तो यही आपका काम होना है, यही आपकी रिक्वायरमेंट होनी है कि आपने मिनिमम 5 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है जो कि आपको। हाँ जी, देखिए ये अमेजोन से रेफर्ड है, तो जैसे रेफर हो उनसे भी आपने नहीं जाना, ठीक है। ये भी जो आपकी वेबसाइट है ये अमेजोन पे लेके चले जाएंगी, तो रेफरल वेबसाइट को भी आपने इग्नोर करना है। ये जो हमने और ओपन की थी उनको चेक कर लेते हो। ये देखेंगे ये अब डॉलर में प्राइस नहीं आ रही है, तो प्राइस और में आ रही है तो भी आपको देखना पड़ेगा। ये डॉलर साइन तो दिया हुआ है लेकिन यू साथ इसमें आ रहा है, ये आई थिंक और चांस है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से चेक करना है, ठीक है। इसके ऊपर ये पेमेंट मेथड है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें अब 4.79 डॉलर में ही दे रहा है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे आप आएंगे तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हर वेबसाइट आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देगी जहाँ पे आप सॉफ्ट अप्रूवल ले लेंगे। देखो क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, साइन अप और क्रिएट अकाउंट, तो इसी तरह से आप यहाँ क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमें अब 4 डॉलर में ये सप्लायर या ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें जो है ये प्रोडक्ट जो है दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोडक्ट को देख लेना है इमेजेस के साथ, ये सेम प्रोडक्ट हो बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे आप ये इमेजेस आप बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपकी सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट में अगर कुछ पैक ऑफ है, पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, पैकेज 6 है, तो उसको भी उसी इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप उसका जो है प्राइस निकाल लेनी है, क्योंकि सप्लायर से आपको जो है वो पैकेज 1 ही मिलेगा, एक ही पीस की प्राइस मिलेगी, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट को फिर देखना सेम हो, उसके डायमेंशन सेम हो, उसके एट्रीब्यूट सारे सेम हो, उसके इमेजेस में देखना बिल्कुल सेम हो, उसका जो आपने टाइटल है उसको उसी तरह से चेक कर लेना है। इन्हीं चीज़ों का नाम प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च प्रॉपरली करनी है, ब्रांड को चेक करना है कि ब्रांड सेम होना चाहिए। ये देखें ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे 4.79 में मिल रही है, तो हमें इसका नेट प्रॉफिट चेक करना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में कितना क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आप आएंगे, गूगल पे आने के बाद आपने मेंशन करना है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर कंट्री का आ रहा है, तो आपने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है
है, ये देखिए अमेजोन सेल सेंटर, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, एक तो आप क्लिक करें, ओपन करें, आपने कंटिन्यू एज ए गेस्ट जाना, ठीक है, बिन के पास सेल्फ सेंटर की एक्सेस होगी, वो अपने सेल्फ सेंटर को लॉगिन करके भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सेल्फ सेंटर की अभी एक्सेस नहीं होगी, तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट करेंगे। फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मार्केट जो है मार्केट विजिट करनी है, क्योंकि तो यूएस मार्केट में हम जा रहे हैं, अब इसमें आपने प्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अब एक्शन पुट करेंगे, ठीक है, अपने उस प्रोडक्ट का एक्शन पुट करेंगे जिस प्रोडक्ट का हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने अपने उस प्रोडक्ट का ब्रश का एक्शन जो है यहाँ पे कर दिया और इसको सेट करवाएंगे। अभी देखिए इसमें सारा डाटा जो है ना वो अमेजोन का वो ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है, ठीक है, इमेज इसका जो है एक्शन और इसकी ग्रामिक रैंक और इसकी जो भी उसमें ले लेंगे, प्राइस की ऑटोमेटिकली उसके पास तो बाय बस होगा, तो फिर प्राइस इसमें ऑटोमेटिक सेट कर ली है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रही है 4.79, ठीक है, 4.79 में हमें ये प्रोस हो रही है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि जो है वो प्राइस, ठीक है, हमें आ गई 4.79, ठीक है, तो 4.79 हम यहाँ पे 4.79, ठीक है, अच्छा जी, ये हमने मेंशन कर दी अपनी सोर्सिंग प्राइस, ठीक है, सोर्सिंग प्राइस हमने मेंशन कर दी, और मिसलिनियस कॉस्ट, मिसलिनियस कॉस्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका पैक ऊपर होना पड़ता है, तो पैक की सर्विस लेनी पड़ रही है, या आपने सिंगल पीस अपने अपने सप्लायर से आप इसमें आपको दिया है, और अमेजोन पे जो पैक ऑफ टू फॉर एग्जाम्पल अगर सेल हो रहा है उसके पैक ऑफ टू बनाने के लिए आपको पैक की सर्विस लेनी पड़ेगी, और यहाँ के शिपमेंट की कोई चार्जेज आपको अमेजोन के वेयर ऑफ सेलिंग के लिए आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट होगी $20 से नीचे नीचे तो उसके ऊपर आप 0.50, ठीक है, नीचे $0.5 ये मिसलिनियस कॉस्ट भी ऐड करना होती है, ठीक है, ताकि आपके पास एक नेट प्रॉफिट जो तो आ सके, आपकी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड हो सके। अब ये देखें इस कैलकुलेटर ने क्या किया कि अमेजोन प्राइस तो ले ली, अब उसने इसमें बताया कि 2.25 इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन की रेफरल फीस है, क्योंकि आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये फीस आपको चार्ज रहेगी, या तो अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करने की फीस चार्ज रहेगी। अच्छा जी, फिर तो ये है, ये आपकी फिक्स अपना क्लोजिंग फी होगी, ठीक है, ये आपकी सारी फुलफिलमेंट में ऐड हो जाती है, ठीक है, फुलफिलमेंट FBA की जो सर्विस आप ले रहे हैं, आपके अकाउंट पे जब ऑर्डर आ जाएगा तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप करके आपके क्लाइंट को उसके डोरस्टेप पे भेज देगा, उसको कहते हैं FBA की सर्विस, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की सर्विस। तो इस सर्विस के लिए तो वो आपसे इस प्रोडक्ट के चार्जेस 4.08 चार्ज करेगा, ओके, आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप हुई होगी, अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई होगी, तो उसके बाद आपसे स्टोरेज चार्जेस चार्ज करेगा, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो आप 0.02 स्टोरेज चार्जेस जो है वो लेगा। ये तीन मेन चीजें होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करते हैं। तो उसके बाद आ गई हमारे सोर्सिंग प्राइस जो हम सोर्सिंग में पे करेंगे, और मिसलिनियस कॉस्ट जो भी कोई हमारी थोड़ी बहुत मिसलिनियस कॉस्ट आती है तो हमने 4.50 वो ऐड कर ली। इस प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में आएगा ना नीचे, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक, अगर ये रेड में आएगा तो ये आपका लॉस है, तो आपने ग्रीन कलर में प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट चाहे उससे 3 प्रोडक्ट खाने हैं, 5 एक्टिव प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है जो कि आपके साइंटिफिक प्रोडक्ट हो जो क्राइटेरिया को मीट करती हो, और इसी तरह से आपने गूगल के डेटाबेस पर जाके उनको चीज से चीज प्राइस सोर्स करना है, और जिस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट के डायमेंशन, उसका इमेज, उसके एट्रीब्यूट, उसका ब्रांड, उसकी ग्रामेज, उसका वेट, इच एंड एवरी थिंग अमेजोन की प्रोडक्ट से मैच होती है, ठीक है, ओके, इस असाइनमेंट के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इमेज लगाना है अपने, ये आप कैनवा पे बनाएंगे,
है। पहला इमेज आपका लगेगा अमेजोन पे जब आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे उसका, ठीक है, इसका ये वाला इमेज आपका फर्स्ट लग जाएगा। सेकंड इमेज आपका लगेगा आपके सोर्सिंग का, ठीक है, ये वाला इमेज जहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही है, ठीक है। सेकंड इमेज आपकी सोर्सिंग का लगेगा। थर्ड इमेज आपने लगाना है कैलकुलेटर का, ये वाला। अब इसको आप कंट्रोल माइनस करके, ठीक है, मिनिमम कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे आप फिर आपने प्रॉपरली इसका, अच्छा ये सात वाला कॉलम आ रहा है, इसको मैं आपको बता दूँ कि ये FPM की फुलफिलमेंट का कॉलम है, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो है जिन्होंने FPM करना है, जिन्होंने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है, तो वो यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे देंगे इसकी कॉस्ट जो है, तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो आपने क्योंकि FPM के साथ जाना है, तो आपने इस वाले कॉलम का स्क्रीनशॉट लगाना है पूरा, उस वाले कॉलम का आपने पूरा स्क्रीनशॉट जो है वो ऐसे करके आप कंट्रोल माइनस से इसको थोड़ा सा अपने विंडो को मिनिमाइज कर लें, और प्रॉपर स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने पूरा लगाना है, और ये जो नीचे आपका प्रॉफिट आया है ये आपने दिखाना है, ठीक है। इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट का थर्ड वाला ये स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, सीक्वेंस वाइज स्क्रीनशॉट लगाइएगा। फर्स्ट अमेजोन का स्क्रीनशॉट लग गया, सेकंड आपके सोर्सिंग वाले जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, थर्ड स्क्रीनशॉट आपकी जो है इसका लग जाएगा कैलकुलेटर पर। ओके, अच्छा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल यही आपका सप्लायर है, ये आपका सप्लायर है, तो इसकी अब आपने अथेंटिसिटी भी तो चेक करनी है ना कि ये मेरा सप्लायर अथेंटिक भी है कि नहीं। ये जो मेरा सप्लायर है ये वाला ये www.dev.car ये अथेंटिक भी है कि नहीं, तो इसकी अथेंटिसिटी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ किस तरह से आपने सप्लायर की अथेंटिसिटी को चेक करना है, तो ये कहीं स्कैम या फेक वेबसाइट तो नहीं है, आया ये अथेंटिक भी है कि नहीं, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं कलर कराऊंगा अथेंटिसिटी के ऊपर। तो जहाँ तक आप जो है इसको साइन में बात करना है कि आपने लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें जो है वो आप अब ये देखिए ये कोई और करेंसी आ रही है, तो आपने उसी की वेबसाइट पर जाते हैं जहाँ पे कुछ करेंसी चेंज होती है, तो उसकी करेंसी को भी आप चेंज करो, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, और अपनी 100 प्रोडक्ट ही लेनी है, दूसरे प्रोडक्ट की सोर्सिंग का बेटा कोई फायदा नहीं होगा। मिनिमम 5 प्रोडक्ट आपने ऐसे फाउंड आउट करके आनी है, क्योंकि जिनकी जिनमें आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बेशक सेंट में ही आ रहा हो लेकिन आ रहा हो, जहाँ पे प्रॉफिट बेशक सेंट में ही आए लेकिन आ रहा हो, लेकिन जितना मैक्सिमम आएगा उतना आपके लिए ये बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है। अब किसी का कुछ क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, किसी नहीं समझ आई तो आप पूछने जी बेटा, पूछें फर्दर अच्छा करेक्ट। सर, जैसे अभी आपने ये कैलकुलेशन निकाली है, इसमें FBM और FBA में, इनमें जो हमें कॉस्ट बढ़ रही है उसमें तो बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, कि FBM में हमें सस्ती पड़ रही है और FBA में महंगी कॉस्ट पड़ रही है। तो हमें मतलब जरूरी है कि FBA ही करें, FBM अगर हम चूज करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा फॉर ट्रेड? बेटा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देखने में आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हमें एफबीए में कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और एफबीए में हमें बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब आप एफबीए में अपना वेयर हाउस बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, तो वेयर हाउस चार्जेस आपको डेफिनेटली आएंगे। अच्छा, फिर जब आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को फिर पैक शिप करके कस्टमर के डोरस्टेप तक जो है उसको तो शिप करेंगे, तो डेफिनेटली उसके आपको चार्जेस आएंगे। तो अभी ऐसे देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि एफबीए में हमें जो है वो ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होगी और एफबीए में हमें बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली एफबीए में जाते हैं तो एफबीए भी जाके एफबीए प्री प्री भी जाके पड़ जाता है, ठीक है ना, उसमें आपका स्टाफ भी होएगा, उनकी सैलरीज भी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी होंगे, प्रोडक्ट के चार्जेस भी होंगे, प्रोडक्ट का रेंट भी होएगा, तो ये सारा कुछ वहीं से चला जाता है। एफबीए में ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि जो अमेजोन है वो अपने एफबीए सेलर्स को ज़्यादा प्रिविलेज देता है एज कम्पेयर टू एफबीए, क्योंकि आप एक पार्टनर बन जाते हैं, जब आप एफबीए करते हैं तो आप अमेजोन के पार्टनर हो जाते हैं, तो वो अपने एफबीए सेलर्स को ज़्यादा जो है वो कम्फर्टेबिलिटी देता है एज कम्पेयर टू
एफबीएम चल रहा है, ये बड़ा चीज है। ओके जी ठीक आमना बेटा, आप प्रयाग फिरोज, आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। जी सर, वो मैंने पूछना था कि LLC हर उसमें खुद करनी पड़ेगी, साइन इन भी करेंगे जब? नहीं, बेटा जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो वहां पे आपने एक बार हाँ डिटेल्स देनी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये 4-5 चीजें आप देंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। फिर जो ईमेल ओके आपने सर। दी हुई होगी ना, वो ईमेल आपका यूजर नेम बन जाएगा, और जो पासवर्ड जी आपने जी वहां पे मेंशन किया हुआ होगा, वो आपका उस वेबसाइट का पासवर्ड हो जाएगा। फिर जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो उसमें ईमेल आपसे मांगना है, जो ईमेल आपने रजिस्टर करते हुए दिया अपने क्लाइंट का बिजनेस ईमेल, और जो पासवर्ड आपने उसको मेंशन करके दिया वो आप पासवर्ड देंगे। तो जब आप यस ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को सेल भी करेंगे ना, तो तब भी आप क्या करेंगे, आपने जहाँ पे जाके, फॉर एग्जाम्पल ये वाले आपका वो सप्लायर है, तो आपने उसके साथ अपने क्लाइंट के साथ प्रोडक्ट की सारी डील करने के बाद, यहाँ से इसका ये वाला लिंक उसको कॉपी करना है, ये वाला लिंक आपने उसको जस्ट व्हाट्सएप कर देना है, यहाँ से सेंड कर देना है, और आपने जो उसका यूजर पासवर्ड बनाया हुआ होगा, ठीक है, वो यूजर पासवर्ड आपने देना है। तो सर ये वेबसाइट है, आप इसको ओपन करें, यहाँ पे जाके ये यूजर दें, ये पासवर्ड दें, और आप यहाँ से ये वाले प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो यही ये काम VA का होता है, अपने यहाँ तक ही काम करना होता है, और अपने प्रोडक्ट के आपने उससे कीमत ले लेनी है, इसी को कहते हैं सोर्सिंग लिंक प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, वेरी ओके ओके सर। गुड, वेरी गुड जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और बच्चे का कुछ सवाल है तो कर लें। आमना बेटा आपका, फिरोज आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। सही है, जो हमने कल हंटिंग की चीजें प्रोडक्ट की, तो उनमें से हमें चूज करनी है। उनमें से ले लें, हंटेड आपकी एसन होना चाहिए जो क्राइटेरिया को मीट करता है, उनमें से एसन आप ले सकती हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है जिनमें कैलकुलेटर में प्रॉफिट ग्रीन में आ रहा हो, और सीक्वेंस वाइज जिनके जो है वो स्क्रीनशॉट लगाने हैं, ये कैनवा पे क्रिएट करके इसका लिंक आपने लगाना है। एक ओके एट बनेगी मेरा ख्याल, सर, नाइन में होगी, जो होगी उसमें आप इसका लिंक लगाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज हर प्रोडक्ट के 3-3 स्क्रीनशॉट बनेंगे, 5 प्रोडक्ट के 15 स्क्रीनशॉट बनेंगे वो, ठीक है। मिनिमम 5 प्रोडक्ट हर बच्चे ने करनी है, जो ज्यादा कर सकता है, जिसके पास टाइम है वो ज्यादा भी करे। यही प्रोडक्ट जो आपकी यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा, जो ये आपकी प्रॉपर एक्यूरेट होंगी, वो इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट सेल भी होंगी, जब हम आप नेक्स्ट लेक्चर में ऑथेंटिसिटी उनसे जाएंगे, और उन सप्लायर की ऑथेंटिसिटी में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करनी है। तो जो जो सप्लायर आपका ऑथेंटिक होगा, वो वाली प्रोडक्ट आपके इंशाल्लाह सेलेबल होंगे, ठीक है। ओके बेटा जी, शेरोज बेटा आपको कुछ जी क्वेश्चन? ओके सर। मैं ये बात कर रहा था कि जब हम यानी कि हंटेड प्रोडक्ट के आगे जो हमने यानी कि जो अभी हमने उसको कम प्राइस में तलाश किया है, अगर हम उन्हीं की वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर करते हैं, तो सर वही जो LLC हमने बाकियों को दिया है, यानी कि जो आपने हमें दिया था वही LLC का यानी कि हम इधर यूज करेंगे देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट, अभी के लिए? अभी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप थोड़ा जस्ट अकाउंट उसके बाद क्रिएट करें जब आपके पास अपना क्लाइंट होगा। तो अभी आपने जस्ट वेबसाइट को तलाश करना है, सोर्सिंग प्राइस तलाश करनी है, उसका लिंक लगाएं और कैलकुलेटर के ऊपर वो प्राइस दे के उसका आप प्रॉफिट निकालें। अभी आप इतना ही काम करें, जब आपको ये काम करना आता होगा तो अकाउंट क्रिएट करना भी कोई ऐसा काम नहीं, वो भी बेटा आप अपने क्लाइंट की LLC के फिर वो अकाउंट आप क्रिएट करें तो बेहतर है, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने यहाँ कोई अकाउंट तो क्रिएट नहीं ना किया, तो मुझे ये प्राइस आई हुई है, तो इसी प्राइस के मुताबिक मैंने ये प्रॉफिट मैंने जी ये सर वाला प्रॉफिट निकाल लिया। तो इसी तरह से आप फिलहाल ये काम करें, जब आपको जितना काम करना आता होगा तो जी अकाउंट सर क्रिएट करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये देखें अकाउंट क्रिएट में वो क्या हमसे मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है अपना, यहाँ पे आपने आ जाना है इसके, आप गूगल के साथ भी इसको साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, और एप्पल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, मेन काम चीफ से चीफ प्राइस में वेबसाइट को तलाश करना होता है, अपना उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को ऑनलाइन तलाश करना होता है, ठीक है। ओके हो गया जी, 2 मिनट रहते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन आया तो कर लें, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें सबको। अगर असाइनमेंट के बारे में, तो लेक्चर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है तो फिर मुझे बताएं, तो वाइंड अप करें। सर, फजल आपका है कोई क्वेश्चन? सर
जी बेटा बोले। सर जो कल हम जो चीजें प्रोडक्ट निकाल रहे थे उसमें अमेजोन का भी था, लिंक दिया हुआ था, तो हम अमेजोन को भी चूज कर सकते हैं कल वाले लेक्चर में? मैं आपको ये लेक्चर में बताया तो है कि जो रिटेल की वेबसाइट्स हैं उनको आपने नहीं लेना, रिटेल को नहीं लेना, अमेजोन को नहीं लेना, ईबे को नहीं लेना, वालमार्ट को नहीं लेना, ये जो रिटेल वेबसाइट है, अलीबाबा, अलीबाबा को भी नहीं लेना, शॉपिफाई को भी नहीं लेना। उसके अलावा जो है मैंने वही वाली तो ओपन की है आपके सामने, ये देखिए यहाँ जी ठीक है ना, ये देखिए ये ऊपर आ तो नहीं थी अमेजोन वाली, मैंने वो ओपन नहीं की, ये अमेजोन थी, ये भी अमेजोन थी, ये वॉलमार्ट थी मैंने नहीं ओपन की, ये ईबे को भी मैंने नहीं ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने ओपन करने शुरू की है, तो इसी तरह से आपने उनका कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक वगैरह है ना, भी चले लेयर है सबको। तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्रॉपर अच्छी असाइनमेंट करें, और कोशिश करें कि 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी आप परचेसिंग करें, और प्रोडक्ट सेम होने चाहिए, अमेजोन की प्रोडक्ट से आपकी सोर्सिंग वाली प्रोडक्ट बिल्कुल मैच करती हो, सेम हो उसका इमेज, उसका टाइटल, उसकी ग्रामेज, उसका इच एंड एवरीथिंग सेम हो। ओके चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।